तो हेलो गाइस तो आज की वीडियो में बी फार्मा के थर्ड सेम के सेक्शनल एग्जामिनेशन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको बी फार्मा से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी तो गाइज आपको पता है जो सेक्शनल एग्जामिनेशन पेपर होता है वो थर्टी मार्क्स का होता है तो हमने सब्जेक्ट लिया है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी और टाइमिंग इसकी होती है दो घंटे की होती है तो इसके अंदर हमारे पास तीन सेक्शन होते हैं तो सेक्शन ए बी एंड सेक्शन सी तो सेक्शन ए में हमारे पास दो दो नंबर के क्वेश्चन होते हैं ठीक है जो कि कंपलसरी होते, सारे, सारे होते हैं तो पहला क्वेश्चन है इज लैग लोग स्टेशनरी एंड डिक्लाइन फेज इन बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है मेंशन एनी फोर एप्लीकेशन ऑफ ड्राई हीट थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज माइसिलियम फोर्थ क्वेश्चन व्हाट आर सेल लाइंस फिफ्थ क्वेश्चन मेंशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोजिंग स्पॉल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स जो प्रोडक्ट होते हैं उनको और सेक्शन बी में हमारे पास कौन से क्वेश्चन होते हैं फाइव नंबर के क्वेश्चन होते हैं तो इसमें हमें दो अटेंडो करने होते हैं तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन सेलकल्चर गिव द मेरिट्स डी मेरिट्स एप्लीकेशन ऑफ सेलकल्चर सेवेंथ क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन कल्टिवेशन ऑफ वायरस एट्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इन्वॉल्व इन एटोक्लेविंग तीन क्वेश्चन है तीन क्वेश्चन में हमें दो क्वेश्चन करने होते हैं तो सेक्शन सी में क्या होता है तो नाइन्थ क्वेश्चन है क्लासिफाई डिस इन्फेक्टेंस राइट द मकैनिज्मोलिक डिस इन्फेक्टेंस एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर इसके बारे में बताना है तो टेंथ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द जनरल प्रोसीजर ऑफ एंटीबायोटिक एसे एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ओव स्टेप्टोमाइसिन तो इलेवंथ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग माइक्रोबुलस पॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स हाउ विल बी डिटेक्ट माइक्रोबियल कंटेमिनेशन इन फार्मास्यूटिकल्स तो गाइस ये अपने टेन मार्क्स ये वाले गए टेन मार्क्स ये वाले हो गए टेन मार्क्स टोटल थर्टी मार्क्स हो गए तो गाइस आपको बी फार्मा के थर्ड सेम के नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा अब वहां से इजिली डाउनलोड कर लेना